उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में इन दिनों होलियारों ने होली खेलना शुरू कर दिया है और होली में गुजिया चखे बिना तो मुंह का स्वाद अधूरा अधूरा सा लगता है। तो चलिए इस रिपोर्ट में इसी खास मिठाई गुजिया के बारे में आपको बताते हैं। लाखों वर्षों से होली का त्यौहार मनाया जाता रहा है। जब भी होली का नाम सुनाई देता है तो गुजिया का जिक्र अपने आप ही जुबान पर आ जाता है, क्योंकि इसी गुजिया को खाने का इंतजार पूरे साल बच्चे बूढ़े जवान करते आते हैं, क्योंकि गुजिया एक ऐसी मिठाई है जो सिर्फ और सिर्फ होली पर बनाई जाती है। होली के त्यौहार पर गुजिया बनाने के पीछे एक खास पौराणिक वजह बताई जाती है, जिसकी वजह से गुजिया का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। मान्यताओं के मुताबिक कहा जाता है कि सबसे पहले ब्रज में कृष्ण भगवान को इस मिठाई को चढ़ाया गया था। तब से इसे होली का प्रमुख व्यंजन माना जाता है और होली पर ज्यादातर घरों में यह भोग के रूप में बनाया जाता है। अगर आपको भी बनानी है गुजिया तो जान लीजिए यह रेसिपी। गुजिया बनाने में मैदा, मावा, सूजी, काजू किशमिश, इलायची पाउडर, पिसी चीनी, घी का प्रयोग किया जाता है। वाली है, इसी अवसर पर हम लोग गुजिया बनाते हैं। गुजिया बनाने का सही तरीका है मैदा, सूजी और नारियल का गोला, ठीक है, फिर देन मैदे को गूंदा जाता है, फिर उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट पड़ते हैं वो डालते हैं, फिर उसके बाद तलते हैं। और जब होली का त्यौहार आता है तो उसमें हम लोग जो भी विशेष अतिथि रहते हैं उसको हम लोग सर्व करते हैं और रंग लगा के उनको विदा करते हैं, और जो भी आस पड़ोस के मोहल्ले हैं उनको भी गुजिया देते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि होली है रंगों का त्यौहार, इसमें हम लोग इसलिए देते हैं ताकि प्रेम बढ़े। तो यह थी खास रिपोर्ट न्यूज़ 18 लोकल के लिए चमोली से सोनिया मिश्रा की रिपोर्ट।